अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ। मेरे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जुमा मुबारक। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? तो आपने फरमाया, इंसान वो जो दूसरों के बारे में सोचता है और जानवर वो जो अपने बारे में सोचता है। अगर देखा जाए आज के दौर में, क्या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो हम कैसा सोचते हैं? और आज हमें खुद को वाजे करना है कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है। नाजरीन, आज क्योंकि जुमा है और आपको पता है जुमे के हवाले से एक स्पेशल शो होता है जिसमें हमारे साथ उलमा कराम होते हैं। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं, बहुत से लोग मिथ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, इस्लाम क्या इस हवाले से कहता है, बहुत से ऐसे टॉपिक जिसपे हमने बात की है। और आज हम बात करेंगे इस्तखारा के हवाले से। इस्तखारा का तरीकाकार क्या होता है, क्या इस्तखारा आपको करना चाहिए, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, मामलात होते हैं जब आपको इस्तखारा करना चाहिए। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब बच्चे की शादी करनी होती है तो अब हम इस्तखारा करते नहीं, करवाते हैं दूसरों से, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया ये रिश्ता हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारी बच्ची के लिए सही है या नहीं है। इस्तखारा का तरीकाकार इस्लाम में क्या है, क्या बताया गया, सहाबा कराम क्या इस्तखारा किया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस्तखारा किया, और क्या वाकई ही कोई ख्वाब आता है, ख्वाब में आपको बता दिया जाता है कि आया ये चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अली वकार कादरी साहब मौजूद हैं, जो मजहबी स्कॉलर है। खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर साहब आपको, और इनके साथ तशरीफ फरमा है मुफ्ती अमजद, मजहबी स्कॉलर है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं कि इस्तखारा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने पर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज से पहले तो मैं इस प्रोग्राम में ज्यादातर वीडियो लिंक के जरिए ही शरीक होता था, बिल्कुल ऐसे। तो पिछले दिनों मुझसे एक कोताही हुई, और इंसान की अजमत यही है कि वो अपनी गलती का एतराफ करे कि मैंने टाइम दिया, उसके बाद तबीयत मेरी खराब हुई, मैं शरीक नहीं हो सका, और आज मैं उसके खमियाजे के स्टूडियो में हाजिर हूँ। जहां तक इस्तखारे की बात है, देखिए हमारे यहाँ जो इस्लाम है वो मेरा ख्याल है कि इस्लामी इस्लाम नहीं है, वो गैर इस्लामी इस्लाम है, जो आमतौर पर हमारे यहाँ मुरव्वज है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी, बहुत जरूरी और बहुत मतलब मुतदावल हैं, इस्लाम के असल इस्लाम की रूह में शामिल हैं, हमारे यहाँ उनकी अहमियत कम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यानी बल्कि मुबाहात में कह लें, या बाद चीजें आप मुबाहात से भी आगे ले जाए, नापसंदीदगी और करात के दर्जे में है, और फिर कुछ हराम तक चीजें हैं, मुहरमात, हम उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। हमारी मुआशरत गैर इस्लामी है बुनियादी तौर पर। इस्तखारा बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मशवरा करना है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से, सही मुस्लिम में और दीगर अहादीस की कुतुब में बहुत कसीर रिवायात हैं, एक आध रिवायत नहीं। सहाबा किराम ने फरमाया कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तखारा की इस तरह तालीम देते थे जिस तरह के गोया कुरान की कोई सूरतें हमें पढ़ाते और समझाते थे। आप अंदाजा कर लीजिए कि कुरान मजीद की सूरतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस एहतमाम से और किस बारीकबीनी से और किस दकीका संजी के साथ सहाबा किराम को समझाते और पढ़ाते होंगे, क्योंकि वो ईमान का हिस्सा थी, अल्लाह का कलाम था। तो उन्होंने मिसाल देकर अर्ज की कि इस तरीके से हमें इस्तखारा करने का हुक्म देते थे। इस्तखारा बुनियादी तौर पर अल्लाह से मशवरा है। आपने अपने इंट्रो में यह भी एक बात की कि हमारे यहाँ कोई बच्ची का कहीं रिश्ता करना हो या कोई बड़ी बड़ा काम हो तो हम समझते हैं कि इस्तखारा करना या करवाना चाहिए, करने या करवाने पे भी आते हैं। लेकिन इस्लाम हमें यह कहता है कि जरूरी नहीं कि कोई बड़ा काम हो, बड़े काम में जरूर करें, छोटे काम में भी किया जा सकता है, रोजमर्रा के मामला, रोजमर्रा के मामला में। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक ताल्लुक बनाना है, आपने उस निस्बत को कायम करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इशारा पाना है। दुआए इस्तखारा है, वो दुआ पूरी है, आप दो नफल पढ़ते हैं, पहली रकत में आप सूरह अल काफिरून पढ़ते हैं, दूसरी रकत में आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, उसके बाद आप अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं, और उस दुआ इस्तखारा में, वो मैं भी पढ़ देता हूँ, मुफ्ती साहब ये पढ़ देंगे, दुआ इस्तखारा में आप अपनी हाजत अल्लाह के हजूर पेश करते हैं। उसका मफहूम मैं बता देता हूँ, जी अरबी मतन हम पढ़ देंगे, मफहूम उसका यह है, बारी ताला मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, मैं नहीं जानता, तू जानने वाला है, मुझसे चीजें पोशीदा हैं, तो आलमुल गैब है, यानी जो आगे होने वाला है मेरी आंख से तो पर्दे में है, बिल्कुल, लेकिन बारी ताला तेरी आंख से तो पर्दे में नहीं, तू तो सब कुछ देख रहा है।
तो लिहाजा तू अपनी उस कुव्वत और अपने उस तसर्रुफ और अपनी उस कुदरत का मुझे फैज मुयस्सर फरमा और मेरा फलां काम जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें मेरी मुआवनत फरमा, मेरी मदद फरमा। दो दफ़ा बंदा फिर जब ये बंदा दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर क्या होता है। दीगर हज़रत अनस बिन मालिक से है कि बाज़ रिवायात में यहाँ तक भी है कि एक दफ़ा भी इस्तिखारे का बाज़ जगहों पर जिक्र है। हज़रत अनस बिन मालिक से एक रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ये कि सहाबा किराम को हुज़ूर तजवीज़ फरमाते थे कि सात दफ़ा इस्तिखारा किया करें, सात दफ़ा और पीर के दिन से शुरू करें और सात दिन चलाएं ताकि बार बार इस्तिखारे की दुआ से वो जो ये एक ज़न्नी इल्म है, कती नहीं हो सकता। आप कहें कि जो इशारा पाया आपने वो कती, कती सिर्फ वही है, उसके अलावा ये ज़न्नी है। तो जब आप बार बार करेंगे तो इशारा ज्यादा कवि से कवितर होता जाएगा और इम्कान ज्यादा बेहतर से बेहतर हो जाएंगी चीजें। अब होगा क्या, ऐसा नहीं है कि आपने कहा मैंने फलां कारोबार करना है कि नहीं करना, इस्तिखारा किया और आपको ख्वाब में इस वो कारोबार करके दिखाया जा रहा है या ना करके दिखाया जा रहा है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जी। ऐसा नहीं होता, अहले इल्म से मशवरा किया जाए। इशारे होते हैं, आपने देखा अच्छा इशारा है, आपने देखा आप मस्जिद में हैं, आप काबतुल्ला में हैं, आप कहीं बाग में फिर रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, अल्लामा इब्ने कसीर की आप, अल्लामा इब्ने असीर की आप ताबीर रोया उठाएं और दीगर कुतब जो हैं आप उठाएं, तो इसमें बेशुमार इशारों का जिक्र है जी। तो अच्छे इशारों से आप समझ जाते हैं कि हमें ये हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा है, अल्लाह की तरफ से मशवरा ये आ रहा है कि काम कर लिया जाए। बुरे इशारे होते हैं, आप जंगलात में फिर रहे हैं, आपको खौफनाक डरावना ख्वाब आ सकता है, आप कोई ऐसी मतलब नापाक चीज को देख सकते हैं, तो ये इशारा होता है कि उस तरफ नहीं जाना, तो वो ये इशारों के जरिए होता है। ये बात जिन में रख लीजिए, कती बात जो है लाजमी बात है वो बात ये है कि ये जन्नी इल्म है जो हज़रत इस्लाम ने हुक्म फरमाया, सहाबे कराम भी करते थे और हमें भी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने एक इस्तखारा किया आपको इशारा दुरुस्त हुआ नतीजा गलत आ गया, आप कहें यार ये क्या इस्तखारा था। तो ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जन्नी इल्म होता है, मुमकिन है कि हमें इशारे को समझने में गलती हो, मुमकिन है हमें इस्तखारा करने में गलती हो। तो इस्तखारा बुनियादी तौर पर एक दुआ है, जिस तरह हम अल्लाह से बच्चा पैदा होने की दुआ मांगते हैं, बारिश की दुआ मांगते हैं, रिस्क की दुआ मांगते हैं, तो आइंदा मुस्तकबिल का कोई भी काम करने के लिए जो दुआ करते हैं उसको इस्तिखारा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि कोई इशारा मिल जाएगा ना जिसमें खाना काबा या कोई ना कोई पॉजिटिव चीज आपके सामने आएगी, इसका मतलब है कि आपको इशारा दिया जा रहा है कि वो आपके लिए बेहतर है, ये बेहतर हो जाएगी इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि जब भी आप इस्तखारा करेंगे, 7 डेज का बता दिया गया कि मैक्सिमम 7 डेज करना चाहिए, मंडे से स्टार्ट करें और संडे तक लेके चले इसको, और मुसलसल एक ही तरीकाकार जो है नवाफिल के बाद दुआ मांगने का, तो क्या इसका मतलब है कि आपके ख्वाब में ही कोई चीज आएगी या आपको चलते फिरते, जैसे मेरी आपसे आज मुलाकात हो गई है, मैंने आपसे मशवरा कर लिया है किसी चीज में और आपकी तरफ से भी मुझे कोई ऐसी पॉजिटिव बात बता दी जाती है कि ऐसा करने से इरम ऐसा हो सकता है, तो ये भी एक इशारा ही होगा या जरूरी है कि आपको ख्वाब ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं, अक्सरियत ये इस तरफ जाती है कि ख्वाब आएगा, लेकिन जिस तरह आपने अभी एक बात की है ये इशारा, चूंकि इशारा अल्लाह ने इशारा देना है और किसी के जरिए से किसी भी के जरिए हाँ। वो आलम मिसाल या आलम रोया में भी हो सकता है और आलम शहादत में भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको खास करें, क्योंकि कोई दलील नहीं है उसको उसके साथ महज खास करने की। ये यकीनन है कि कसरत रिवायात से जो हमें समझ आती है या जो इल्म रोया की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखने वाले लोग हैं वो जो समझते हैं, तो कसरत गालिब रुझान और अगलब रुझान उस तरफ जाता है कि ख्वाब में इशारे की तरह, लेकिन ये दरवाजा बंद नहीं हो सकता, इसमें भी इशारा दिया जा सकता है। अच्छा ठीक है, मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े वाजे तरीके से वाजे तौर पे बता दिया कि किस तरह से आपको इशारा मिल जाएगा, किसी के थ्रू मिल जाएगा, अल्लाह ताला किसी के थ्रू आप तक वो पैगाम पहुंचा देगा या आपकी ड्रीम में आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है इस तरह का, आपको पॉजिटिव इशारा मिल जाएगा या नेगेटिव जो भी चीजें होंगी। मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ खवातीन अक्सर जब इस्तखारा करवाती हैं किसी से, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी क्या खुद ही करना चाहिए, दूसरी बात क्या जरूरी है, अक्सर हमने खवातीन को बात करते सुना है कि मुझे रेड कलर का एक दुपट्टा नजर आ गया, इसका मतलब ये चीजें खराब होने वाली है, मतलब कलर के साथ हमने लिंक कर दिया है इस्तखारे को कि ये कलर का ये मतलब है, ये कलर का ये मतलब है, क्या इस्लाम में ऐसा कुछ है, कुछ बताया गया है कि ये कलर का ये मतलब है, ये डेंजरस है, ये सही नहीं है, ये ब्लैक का मतलब ये है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को ये बात करते भी सुना, यकीनन आपने भी सुना होगा। देखिए, दीन इस्लाम जो है वो इंसान को जो है हकीकत की दुनिया में खड़ा करना चाहिए जी, तवहम परस्ती के हवाले नहीं करना चाहते। आपने सवाल किया कि खुद करना चाहिए या दूसरों के हवाले, देखिए रिवायात में ये बात कसरत से आई है, अल्लामा साहब ने भी उस तरफ जो है वो उसका जिक्र किया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अल्फाज क्या हैं, यानी वो जो दुआ हमें सिखा रहे हैं वो क्या दुआ है,
यानी एक जुमले में कहा जा रहा है फकदुर हुली वयस्सिर हुली अर्जिनी भी ही, यानी ए बारी ताला मेरे लिए इसको मुकद्दर कर दीजिए, मेरे लिए इस हक में फैसला फरमा दीजिए, मेरे लिए इसे आसान फरमा दीजिए। तो आपने खुद करना है क्योंकि ये दुआ आप ही के लिए है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये भी आता है कि आपने सहाबे किराम को कहा कि जब तुम में से कोई यानी इस तरह का मामला करना चाहे तो तुम जो है ये दुआ पढ़ लिया करो। यानी अगर किसी और से करवाना मकसूद होता तो उस वक्त सईदुल मुरसलीन से आला जात किसकी हो सकती, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़ के कहते भाई मैं आपके लिए कर देता हूँ। बिल्कुल, यानी किसी भी रिवायत में ये बात साबित नहीं है ना आती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी ने कहा हो कि या रसूल मेरे लिए आप इस्तखारा फरमा दें। यानी ये जो मुरव्वजा इस्तखारा जिसे हम कहते हैं दुआ, तो हजूर सल्लम ने फर्ज नमाजों के बाद अगर किसी सहाबी ने कह दिया कि या रसूल दुआ फरमा दो, आपने दुआ फरमा दी। किसी सहाबी ने कहा मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दी, बीमार है दुआ फरमा दिया। तो खास किसी दूसरे को कहना, और जिस तरह हमारे यहाँ जो मुरव्वजा इस्तखारा है कि एक इस्तखारा और हर मुसीबत से छुटकारा, यानी हर दीवारों पे ये आपको लिखता नजर आएगा लिखा हुआ। इसी तरह टेलीफोन कॉल पे फौरन, ये तो दो मिनट के अंदर, यानी उस ख्वाब की तरफ भी हम नहीं जाते। यानी एक होता है ना कि आप पढ़ लें उसके बाद आपको कोई ख्वाब आएगा, उसकी तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। अलामा साहब बैठे होते हैं, आप फौरन कॉल कीजिए और चश्मे जदन में जो आपका मसला हल हो जाता है। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह के कंसल्टेंट बिठाए होते हैं जो इस तरह का मशवरा दे रहे होते हैं। तो खुद करना चाहिए क्योंकि जिस करब के साथ आप गुजर रहे हैं दूसरा शख्स नहीं गुजर रहा होता, जिस खलूस के साथ आप दुआ कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता। तकलीफ आपकी है तो उस तकलीफ को महसूस भी आप ही कर सकते हैं जी। तो दुआ खुद कीजिए अपनी जात, अगर आपको ये दुआ जुबानी याद है इस्तखारे की दुआ, बड़ी आसान दुआ है, तो उसको पढ़ के आप जो है खुदा से दुआ कर सकते हैं। अगर आपको जुबानी याद नहीं है तो देख के जो है उसको पढ़ सकते हैं। अगर देख के पढ़ने की भी जो है ना आप अहलियत नहीं रखते तो आप अल्लाह से अपनी जुबान में दुआ कर लीजिए कि बारी ताला, जिस तरह अल्लामा साहब ने मुकम्मल तर्जमा उसका मफहूम आपको बता दिया कि बारी ताला ये मामला मैं करने जा रहा हूं, अगर मेरे हक में बेहतर है तो इसे कर डालिए, अगर मेरे हक में बेहतर नहीं है तो इस पे ब्लॉक फुल स्टॉप लगा दिए, यहीं पे रुक जाए। और देखिए जहां तक किसी इशारे के मिलने का ताल्लुक है, ख्वाब में जो है ये जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि ये कोई वही नहीं है, कोई हतमी चीज नहीं है, हमारे क्या ख्वाब होंगे। मतलब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, वही चीज मुमस्सल होकर ख्वाब में हमारे आ रही होती है। बाज़ औक़ात ख्वाब जो है शैतान की तरफ से भी होते हैं, बाज़ औक़ात मलाइका की तरफ से भी होते हैं, हम कोई चीज सोच रहे होते हैं वही चीज मुमस्सल होकर हमारे सामने आ जाती है। तो ख्वाब की हकीकत को भी देखना चाहिए। ख्वाब के कई मानी होते हैं, अल्लामा साहब की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ, उसकी कई ताबीरें होती हैं। यानी बज़ाहिर आप एक ख्वाब देख रहे हैं उसके कई मानी होते हैं, और बाज़ औक़ात उसके बिल्कुल बरक्स भी हो जाता है। जिस तरह मौबिरीन ने कहा है ना कि अगर कोई शख्स, मतलब बाज़ सूरतों में कि अगर कोई शख्स अपनी शादी देख लेता है या खातून अपनी शादी देख लेती है तो वो उसके लिए गोया के एक खतरनाक चीज होती है। यानी बज़ाहिर तो हम देख रहे होते हैं कि बड़ी शहनाई बज रही है, बड़ा जनाब शादियाने जो है वो बजाए जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी मौत की खबर बाज सूरतों में उसे दी जा रही होती है। इसी तरह एक प्रेग्नेंट खातून है जो हामिला है, वो अगर बेटे को देख लेती है ख्वाब में तो इसका जो है ताबीर ऑपोजिट होती है, यानी इसका मतलब है बेटी होगी। बेटी अगर देख लेते तो बेटा होगा, बेटे को अगर देख लिया जाता है तो बेटी होगी। तो ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ भी होते हैं, उसके बरक्स भी होते हैं। फिर उसमें जो है ये एलिमेंट भी होता है, जो मौसम होता है उसका भी बड़ा अफेक्ट पड़ता है। यानी अगर आपने ख्वाब देखा है ना सर्दियों में तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ होती है, गर्मियों की ताबीर जो है, गर्मियों में अगर देखा है उस ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ होती है। जिस तरह इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला के हाँ जो है ये वाकया मशहूर है कि एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत मैंने इस तरह ख्वाब देखा है कि मेरे सहन में आग लगी हुई है, घर के सहन में। तो उन्होंने कहा कि जी आप वो सहन को खोदे, वहां से खजाना निकलेगा। कुछ अरसे के बाद एक दूसरा शख्स आया, उसने भी यही ख्वाब बताया कि मेरे घर के सहन में जो है वो आग लगी है। तो इब्ने सीरीन ने फिर ये ख्वाब उसकी ताबीर बताया कि भाई घर से फौरन निकलो, अपने बच्चों को भी निकालो, क्योंकि उस जगह जो है वो आग लगने वाली है। और यही हुआ, यानी एक दो दिन के बाद जो है उस घर में आग लग गई। तो उनका शागिर्द था, उसने पूछा कि हजरत ख्वाब तो एक ही था, आपने ताबीरें मुख्तलिफ बताई। तो उन्होंने कहा कि वो जो पहला शख्स आया था वो सर्दियों में उस ख्वाब को उसने देखा था और मेरे पास आया था, तो सर्दियों में चूंकि आग जो है ये राहत की अलामत होती है, ये सुकून की अलामत होती है, इसलिए मैंने ये ताबीर बता दी। और वो जो दूसरा शख्स आया था वो गर्मियों में आया था, और गर्मियों में चूंकि आग जो है एक तकलीफ
की अलामत है, इसलिए मैंने उसे बताया कि भाई घर से निकल। तो ख्वाब की तो एक पूरी दुनिया है, वेस्टर्न कल्चर का जो ख्वाब है उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी, ईस्टर्न जो ख्वाब है वो यदि देखा जाता है उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी, तो इसमें बेशुमार अवामिल जो है वो कारफरमा होते हैं। तो ख्वाब की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि रंगों के हवाले से, देखिए हमारी ख्वातीन खास तौर पर, और वो फैसला भी कर लेती हैं इस मामले में कि मैंने ख्वाब चूंकि देख लिया, अब इसका जो है फैसला यही होगा जी। यानी ख्वाब की बुनियाद पर जो है खुदारा अपने बड़े बड़े फैसले जो है ना किया करें, इस्तखारों की बुनियाद पर जो है अपने, अब देखिए इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे होते हैं, शादी जैसा बड़ा फैसला, यानी दो आजाद इंसानों के माबैन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एक मामला हो रहा होता है, और वो उसके हक में जो है सारी चीजें भी जारी होती हैं उस शादी के हक में, लेकिन हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो कोई इस्तखारा कर लेते हैं या करवा लेते हैं, और वो चूंकि ऑपोजिट आ रहा होता है तो इतना अच्छा भला रिश्ता जो है उसको हम ठुकरा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इजा खतब इलैकुम तरजौना मन तरजौना दीनहु व खुलकहु फज़व्विजू, यानी अगर आपके पास कोई इस तरह का रिश्ता आ जाता है कि दीन अच्छा है इखलाक अच्छा है तो निकाह कर लें आप, यानी निकाह का जो है वो मामला कर लें। तो निकाह को तो दीन ने बड़ा आसान बनाया हुआ है, इसी तरह कारोबार के मामला थे, यानी इस्तखारे करवाए जा रहे होते हैं, पता भी होता है कि यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा, पता भी होता है कि इस मार्केट में मेरा काम नहीं चलना, ख्वाब में चूंकि एक खास चीज को देख लिया जाता है, टायर को देख लिया जाता है, तो वो टायरों का कारोबार शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्केट गलत होती है, कपड़ों की मार्केट में जो है वो टायरों का कारोबार हो रहा होता है, तो उसने नुकसान करना ही करना है। और फिर गर्मियों के मौसम में जो है ड्राई फ्रूट का जो है वो कारोबार शुरू कर दिया गया, जनाब क्यों किया, वो जी ख्वाब में जो है कोई ड्राई फ्रूट उनको बादाम वगैरह नजर आए तो इसलिए जो है वो इसका कारोबार शुरू कर दिया। तो इसकी बुनियाद जो है ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर होना चाहिए, खुदा ने आपको अकल दी हुई है उसका इस्तेमाल करें। अब देखिए इतने बड़े बड़े मामलात में हम अकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो खूब तसल्ली कर लेते हैं कि सोसाइटी कोई दो नंबर किस्म की तो नहीं है, इसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है, यानी बहुत सारे मामलात में जो है हम अकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह का मामला आता है तो इस्तखारे के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि ख्वाबों पे इतना ज्यादा यकीन नहीं रखना चाहिए, जैसे वहम भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने वेदर को बड़ा ज्यादा इन्वॉल्व किया कि समर में देखे गए ख्वाब और तरह से होते हैं, उनकी ताबीर और होती है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अगर ख्वाबों से आपको पता नहीं चलेगा तो फिर किस तरह से इस्तखारे को लेकर चलेंगे, वही फिर वहम मिथ्स दोबारा से शुरू हो जाएंगे हमारी सोसाइटी में, जैसे पहले इस्तखारा को लेकर बहुत ज्यादा चीजें हैं। जी जो मैं समझा मुफ्ती साहब जो फरमाना चाह रहे थे, जो मैंने अर्ज की थी कि ये एक जन्नी चीज है जी, उन्होंने उसकी अच्छी बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन कर दी। हाँ जी, यानी कहीं भी बात में ऐसा नहीं है कि कतई तौर पे इनकार कर दिया गया कि इस्तखारे का ख्वाब से या ख्वाब में इशारे से ताल्लुक ही नहीं जी, जो उसके अंदर जो एक सुकम पहलू था जिसका हम आमतौर पर शिकार होते हैं उसकी वजाहत कर दी गई, मैं भी उसकी थोड़ी मजीद वजाहत कर दी। आमतौर पर अल्लामा इब्ने सीरीन ने भी बयान फरमाया और दीगर जो इल्म ताबीर और रोया के माहिरीन हैं उन्होंने, मुहद्दिसीन या मुफस्सिरीन अहबाब, उन्होंने आमतौर पर ख्वाबों की तीन किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जिसको बशारात खुदाबंदी कहते हैं, अच्छे ख्वाब जिसको कहते हैं, जो मलाइका की तरफ से होते हैं, उसकी ताबीर ठीक होती है। दूसरा होते हैं तखफीफ शैतान उसको कहते हैं, ये शैतान की तरफ से होती है। ठीक, तीसरी होती है उसको हदीस व नफ्स कहते हैं जी, यानी वो चीज़, ये वो ख्वाब होते हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं होती, ये वो चीज़ जो दिन में हम कोई काम मामला कर रहे हैं कुछ हो रहा है तो रात को हम वही पूरी की पूरी फिल्म चल रही होती है हमारे जहन में। मसलन मेरे साथ एक काम अक्सर होता था, मैं बयान भी करता रहता हूँ, जब मेरे एग्जाम मुफ्ती साहब हो रहे होते थे एम फिल के, जब तो क्या होता है वो एक टेंशन चल रही होती है ना, तो क्या होता था कि दिन तैयारी करके सोए तो रात में वो पर्चा दे रहे होते, तो वो चीज़ जो आपके जहन में चल, आपके घर में कोई टेंशन है आप बिल्कुल उसी टेंशन को उसी तरह का माहौल देखते हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ें आलम तमसील में मुतमसल होकर आ रही है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि ये कोई ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर हो। ख्वाब दो तरह के होते हैं जिनकी ताबीर है, एक बशारात अच्छे ख्वाब और दूसरे बुरे ख्वाब। अब हजूर सलाम ने फरमाया कि ख्वाब बयान करने के लिए और जो मुहद्दिसीन ने शराइत बयान की किसी आलिम से और इल्म दीन रखने वाले से, खास आलिम तो आम भी हो सकता है मानों में, इल्म दीन रखने वाला से ताबीर पूछी जाए, क्योंकि बाज रिवायात में कुछ उलमा ने इसकी रिवायत की सनद पर एतराज किया, लेकिन इब्ने सीरीन ने लिखा इसको मुकदमे में कि ताबीर कबूतर के पांव में पड़ा हुआ छल्ला है, जैसे ही किसी आपने किसी ऐसे शख्स के बयान की जिसको पता ही नहीं सिरे से कि ताबीर होती क्या है, न उससे वो वाकिफ ही नहीं,
उसने अपनी जो सुनेगा जो उसकी अकल में आएगी वो बयान करेगा, नहीं जिसका मतलब तो ये है। जिस तरह खवातीन हमारे यहाँ हर अपनी मर्जी की ख्वाब की ताबीर है, खवातीन सोच लिया जाता है ना कि अपनी मर्जी की ताबीर बयान कर रहे होते हैं, वही हुई इसका मतलब तो ये है। जी तो इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि फिर क्या होता है, वो जैसे बयान की वो कबूतर उड़ गया और वो छल्ला गिर गया, गोया कि वो ताबीर वाकई हो जाती है, लिहाजा इससे एहतियात करना चाहिए। अब ख्वाब बयान करते हुए इंतहाई एहतियात की जरूरत है, ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए माजर चाहता हूँ, इंतहाई एहतियात की जरूरत है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने अलामा इब्ने सीरीन का मारूफ वाकया बयान किया गर्मी और सर्दियों का, जिससे आगे मैं इजाफा कर दूं इसके अंदर सेहत और बीमारी का भी है। एक अच्छा। ही ख्वाब अगर सेहतमंद शख्स देखे तो ताबीर और होगी, वही ख्वाब अगर बीमार देखे तो ताबीर और होगी। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैदे का बड़ा अहम दखल है। अब अगर आपका मैदा ठीक है, स्टोमिक प्रॉब्लम है आपको, तो आपके ख्वाबों की ताबीर अमूमी तवाना शख्स के ख्वाबों की ताबीर वाली नहीं होगी। फिर एक तीसरी तकसीम जो उलमा ने की है, वो तकसीम ये की है कि अगर आप ख्वाब देखते हैं रात को निस्फ शब यानी सोने से निस्फ शब के दरमियान, समझ लें इशा से रात 12 बजे तक, अमूमी मानो में इशा से रात 12 बजे तक, तो उस ख्वाब की ताबीर अगर वो ताबीर वाला ख्वाब हो, अगर ताबीर वाला नहीं फिर तो खत्म होगी बात, अगर ताबीर वाला ख्वाब हो तो फिर उसकी ताबीर अगले 10 सालों से मुतालिक होती है। अगर आपकी ताबीर अगर आप ख्वाब निस्फ शब से तहज्जुद के दरमियानी वक्त में देखते हैं तो उसकी ताबीर अगले 10 माह से मुतालिक होती है, और अगर आप तहज्जुद से फजर की अजान के दरमियान के दौरानिए में देखते हैं तो उसकी ताबीर कम दौरानी है तो उसकी ताबीर अगले 10 दिनों से वाबस्ता होती है। लेकिन यह तखमीन है, अंदाजा है जो लोगों ने बयान किया, इसके अलावा भी अंदाजे बयान हुए हैं, 20 साल का भी, इब्ने सीरीन ही नहीं 10 साल का भी बयान किया, 20 साल का भी बयान किया। तो कहने का मकसद यह है, खुलासा यह है कि ये एक फन है जो अहले फन से इसके मुतालिक रहनुमाई लेनी चाहिए, और इस्तखारा के इशारे जिस तरह अमूमी हालात में होते हैं उसी तरह ख्वाब में भी होते हैं, लेकिन कोई अगर माहिर आलिम होगा तो वो उस इशारे को एक आम शख्स की निस्बत ज्यादा बेहतर समझ सकता है। ठीक है। और अगर आम बंदे से पूछ लिया जाएगा तो वो उस इशारे का वही हाल करेगा जिस तरह मुफ्ती साहब ने इशारा किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है वक्त, सेहतमंद होना, बीमारी की सूरत में होना, ताबीर चेंज हो जाती है। अगर एक सेहतमंद ख्वाब देखता है या अगर बीमार देखता है तो ये चीजें भी बड़ी अमल दखल रखती है। डॉक्टर साहब यहीं से अब आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइएगा तरीकाकार क्या है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं किस तरह से इस्तखारा करना चाहिए। जैसे आपने बताया नफल पढ़ने चाहिए, उसके बाद दुआ किस तरह से करनी चाहिए, थोड़ा तरीकाकार की तरफ आते हैं। बिल्कुल सादा कोई इसमें, ये बिल्कुल मुफ्ती साहब दुरुस्त फरमा रहे थे, हम मुझे मालूम समझ नहीं आती कि ये टीवी पे बैठ के एक सेकंड में कैसे इस्तखारा करते हैं और वो कौन सा तरीकेकार है। बिल्कुल सादा तरीकेकार है, कोई इसमें मुश्किल नहीं, और लोग हवा समझा हुआ है लोगों ने, पता नहीं यार क्या मतलब है। ये वही काम है जिस तरह दुनिया के हर काम हम कर लेते हैं, सिर्फ कुरान पढ़ना ये मौलवी साहब का काम है। इस्तखारा सिर्फ ये है कि आप फर्ज अपना फर्ज नमाजें आप पढ़ें, वो तो बार सूरत नमाज, आप किसी भी नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ें, ठीक है, पहली रकत में सूरह अल काफिरून पढ़ लें और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह तौहीद, उसके बाद अल्लाह के हजूर बैठ के दुआ करें और दुआ में अल्लाह के हजूर अपनी हाजत पेश करें। अरबी की दुआ आती है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आती तो उसका मफहूम वो भी नहीं आता, तो अल्लाह तो आपके भाई दिलों का हाल जानने वाला है, वो अल्फाज का मोहताज तो नहीं है ना। ये तो अल्फाज की अहमियत इसलिए है क्योंकि मसनून है और जुबान रिसालत आप से अदा हुए, लिहाजा उसकी अफजलियत अपनी जगह कायम हो गई। लेकिन अल्लाह तो सादा बंदों का भी अल्लाह है ना, सिर्फ उलमा का तो नहीं, तो अल्लाह तो जानता है, लिहाजा अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में, और वो आपकी नीयत को जानता है कि ये बंदा मुझसे किसी मसले के बाबत मेरी बारगाह में सजदा रेज है, तो अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्ज गुजारी पेश करें और रो के और गिड़गिड़ा के अर्ज गुजारी पेश करें। तो ये कैसे हो सकता है, जो एक मैं इमाम गजाली की इहया उलूमुद्दीन में कॉल पढ़ रहा था, इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान तूने कभी गौर किया है कि अगर वो तुझे बगैर मांगे इतना कुछ दे चुका है, आंखें तूने मांगी थी, अकल मांगी थी, शऊर मांगा था, हाथ मांगे थे, पांव मांगा था, ये इतना मुतवाजन जिस्म मांगा था, ऐसा खूबसूरत सब कुछ मांगा था, नहीं मांगा था, महज फजल और फजल महज से उसने अता कर दिया, तो जब मांगेगा तो क्या वो तुझे महरूम रखेगा। तो लिहाजा हमें मांगने की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है उजीबु दावत दाइजादान, जो मुझसे मांगने वाले उनको बताओ कि मुझसे मांगे, मैं उनकी सुनता हूँ। बंदा हजरत इमाम कुशैरी रिसाला कुशैरी में क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं, क्या तमसीली बात बयान कर, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम इंसान को पैदा फरमाया, ये तसव्वुफ की बात है रूहानियत, पैदा फरमाया तो अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, आदम से कहा, ये अनीस मुराद हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, अल्लाह ने आदम से कहा कि आदम मैं ये चाहता हूं इंसान के तू मेरे दरबार पे मेरे दहलीज पे बैठा रहे और मुझे तकता रहे, ताकि तू अपनी गुजारिशात
मुझे पेश करे और मैं उसकी पूरी करता जाऊं। फिर अल्लाह ने फरमाया, इमाम कुशारी लिखते हैं कि अगर तू वहां से चला जाए तो बेशक मेरी दहलीज छोड़ जाना, अगर दुनिया तुझे मजबूर कर दे तो अपना चेहरा मेरी तरफ रखना, और अगर तू ये भी ना कर सके कि दहलीज भी छोड़ जाए चेहरा भी मेरी तरफ से फेर जाए, तो जब कभी मुश्किल में पड़ना मेरी दहलीज पे आना, मैं फिर तेरा मुंतजर रहूंगा और तेरी हर ख्वाहिश को और तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। तो असल मकसद और मुद्दा ये है कि हम इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना सब कुछ मान के उसकी बारगाह में पहुंच जाएं। बस हमारा काम पहुंचना है, अगर हमारा काम नहीं भी हो रहा तो आप यकीन कीजिए वो ना होना हमारी दुआ की कबूलियत है, चूंकि वो ना होना हमारे हक में बेहतर था। हमारे हक में क्या बेहतर है ये हमसे ज्यादा हमारा रब और मौला जानता है। तो वो अगर एक काम नहीं कर रहा हमारे बार बार दुआ के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि ऐ बंदे खुदा दुआ कबूल हो गई, वो होता तो तबाही होती, अल्लाह ने तुझे उस तबाही से बचा लिया। तो सिर्फ अपना नुक्ते नजर और अंदाज जाविया निगाह बदलने की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब के दरवाजा इंसान पे खुल जाए। और दुआ को लेके अपना जो ईमान है तवक्कल है वो स्ट्रॉन्ग कर ले कि दुआ कबूल जरूर होती है, किसी भी सूरत में हो सकती है, तबाही से बच सकते हैं, अल्लाह ताला आखिरत के लिए बचा लेंगे आपके लिए वो दुआ, या फिर आपको बहुत बड़े किसी हादसे से बचा लिया जाएगा। यकीनन दुआएं कबूल होती है, लेकिन आपका ईमान आपका तवक्कल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुफ्ती साहब, अगर कोई रीजन की वजह से कोई अपने लिए इस्तखारा नहीं कर पाता तो क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इस्तखारा कर सकती है? क्या वालिद अपने बच्चों में से किसी के लिए इस्तखारा कर सकता है, शादी के अलावा किसी कारोबार के लिए, तालीम के लिए, या किसी भी रीजन के लिए? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके रोजमर्रा के मामलात के लिए भी अल्लाह से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि इस्तखारा का मतलब है अल्लाह से मशवरा करना, तो क्या कोई अपने घर में से ही आपकी वालिदा आपके वालिद आपके लिए इस्तखारा कर सकते हैं? ये बिल्कुल, देखिए इस्तखारा का मफहूम समझ लें, ये दुआ है असल में। दुआ आप किसी के हक में भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी मेरी बेटी है या मेरा भाई है वो बाहर जाना चाहता है तालीम के सिलसिले में, या कोई और मसला उसका दरपेश है, तो मैं बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर सकता हूँ उसके हक में। और फिर दुआ करके जो है ना उसको छोड़ देना चाहिए, यानी जिस तरह अलामा साहब ने कहा कि अगर उसके होगा तो रास्ते खुलते चले जाएंगे, यानी उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जी, कोई शख्स आ जाएगा वो आपको जो है बता देगा कि हजरत ये जो आप शादी करने जा रहे हैं ये आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये शख्स फलां 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 इस तरह के मामलात में जो है मुलव्वस है। तो एक भाई आपका जो है उसकी ताबीर बन सकता है, उस इस्तखारे की अलामत आप कह लें, जो भी नाम दे दे, निशानी बन सकता है, अलामत बन सकता है। एक आपका दोस्त जो अच्छा वेल विशर होगा वो आपको थोड़ा सा दलाइल के जरिए से कायल कर लेगा कि ये कारोबार नहीं करना चाहिए, वो वाला नहीं करना चाहिए। तो ये निशानियां इस तरह से भी पूरी होती हैं, यानी जरूरी नहीं है कि ख्वाब के जरिए से ही हो, इस तरह भी आकर जो है आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं और आपको महसूस होने लगता है कि ये मेरे लिए मेरे हक में बेहतर हो गया, या फिर कोई रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं और आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। तो देखिए ये दुआ है, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी दुआएं हैं उसको उठाकर देख लें, पढ़कर देख लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर हमें इसकी तालीम दी है। ये गोया खुदा के साथ एक हमारे ताल्लुक का एक इजहार बन जाता है, कनेक्ट हम हो जाते हैं अल्लाह तबारक व ताला के साथ। अच्छा, दूसरा इसमें मैं एक चीज का इजाफा करूंगा कि हमारा काम है, इस्तखारा का मतलब है खैर को तलब करना, हमारा काम है खैर को तलब करने की दुआएं मांगना। जी, ये जो इस्तखारा में सीन का लफ्ज आता है ये तलब करने के माना में आता है, जिस तरह इस्तआनत का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, इस्तआइनु बिस्सब्री के सबर और नमाज के जरिए से जो है मदद मांगो। तो हमारा काम तो है खैर को मांगते रहना, मुसलसल मांगते रहना, और अल्लाह तबारक व ताला खैर ही का फैसला हमारे हक में फरमाते हैं, यानी मोमिन के मामले में अल्लाह तबारक व ताला खैर ही का फैसला करते हैं। जिस तरह अलामा साहब ने कहा ना कि अगर काम नहीं भी हुआ तो उसमें भी हमारे लिए बेहतरीन, वो अहसनुल हाकिमीन है, वो खैरुल हाकिमीन है, वो बेहतरीन फैसला फरमाने वाला। वो जो हदीस का मफहूम है ना कि मोमिन के बारे में ताज्जुब होता है कि उसका हर मामला ही खैर का होता है, यानी कोई मुसीबत आती है तो सब्र करता है तो उस पर भी खैर, कोई अच्छे दिन आ जाते हैं, खुशी की कोई बात आ जाती है, मुसर्रत के कोई लम्हात आ जाते हैं, वो भी उसके लिए खैर है क्योंकि वो उस पर शुक्र कर रहा होता है। तो मोमिन के लिए तो अल्लाह तबारक व ताला हर मामले में जो है वो खैर ही का फैसला कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि हमें हर मामले के लिए खैर अपना इस्तखारा करने की जरूरत नहीं है। बाज मामलात ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही होती, लेकिन हमारे गिर्दो पेश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसी गिर्दो पेश में चीजें आ जाती हैं जो हमारे उस मामले को रफा कर देते हैं,
जिस तरह मैंने कहा ना कि एक भाई आकर, एक आपका बेहतरीन दोस्त आकर जो है, जो वेल विशर है, वो आकर आपको मुतवज्जे कर देगा भाई साहब इससे बाज रहे, भाई साहब ये कारोबार ना करें। हाँ जी। तो हर मामले में करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मशवरा कर लें। ये जो मशवरे का कल्चर है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रमोट करने की जरूरत है कि हम हर मामले में मशवरा करें, हम अपने बड़ों से मशवरा करें। बड़ों ने चूंकि जिंदगी के नशेबो फराज देखे होते हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी होती हैं, तो बड़ों से मशवरा करें, वो तजर्बाकार होते हैं। इसी तरह किसी फन में, किसी मैदान में अगर आप जाने लगे हैं तो उसके माहिर से पूछ लें, उसके माहिर से मशवरा कर लें। तो इस तरह मशवरे के जरिए से आगे चलें, इस्तखारों के लिए अपने आप को हैंड ओवर ना करें, मशवरा करें। फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अकल दी है, तदबीर से काम लें। देखें, तदबीर जो है ये आधा कसब है, यानी आप अगर प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाकर एक अपना पेपर वर्क करते हैं, तो आपका आधा काम तो उसी वक्त हो जाता है। यानी आधा कसब का क्या मतलब है कि आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो आपने 50% अचीव कर लिया है अगर आपने तदबीर कर ली है साथ में। तो आप तदबीर करें, अकल को इस्तेमाल करें और मशवरे के साथ जो है आगे चलने की जो है वो जिंदगी में कोशिश किया करें। बिल्कुल ठीक है, आपने मशवरा भी करना चाहिए अपने बड़ों से, अपने घर वालों से, और जिन्होंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा गुजार लिया होता है, उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मशवरा करना भी जरूरी होता है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी खत्म है, लेकिन इसमें भी आपको देखना पड़ेगा मशवरा कर किससे रहें, अपने घर वालों से कर रहे हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। इस्तखारा के हवाले से हमने बात की, इस्तखारा का तरीका कार क्या है, दुआ कैसे मांगनी चाहिए, और वाजह तौर पे हमारे मुअज्जज़ मेहमानों ने बताया कि अल्लाह से मशवरा करने का नाम इस्तखारा है, और आपकी रोजमर्रा जिंदगी में जो मामलात है उस पर भी आप अल्लाह से मशवरा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक की जानिब। अगला टॉपिक है हमारा इज्जत नफ्स के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या है। हम अक्सर दूसरों को कहते हुए सुनते हैं कि जनाब किसी की इज्जत नफ्स पे बात नहीं करनी चाहिए, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। इस्लाम इस वाले से क्या कहता है, और हकूकुल इबाद के हवाले से भी यकीनन हम बात कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने सबके इस्लाम में हर शख्स के, हर इंसान के, उनके जानवरों के भी हकूक बता दिए गए हैं, और क्या हम दूसरों के जो हकूक है वो पूरे कर रहे होते हैं, हमारे भी कुछ फ्राइज होते हैं, क्या हम अपने फ्राइज को पूरा कर रहे होते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अली वकार कादरी और मुफ्ती अमजद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं इज्जत नफ्स के हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इज्जत नफ्स एक ऐसा मजमून है कि पूरे के पूरे हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के, जो अल्लाह की शरीयत में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के जितने भी हकूक बयान किए हैं, उन तमाम को अगर हम एक बड़ा उनवान और एक ब्रॉडर सिनेरियो में देखना चाहें तो उसको हम इज्जत नफ्स कह सकते हैं। क्योंकि एक तो इज्जत नफ्स का वो मफहूम है जो एक अमूमी मानों में हम लेते हैं, जिस पर भी बात होगी। इज्जत नफ्स का एक और मफहूम भी है कि जिसकी इज्जत अल्लाह और उसके रसूल ने जो जो इज्जतें मुतय्यन कर दी जी, माँ के लिए जो इज्जत अल्लाह और उसके रसूल ने इज्जत या हक मुतय्यन कर दिया है वो उसको दिया जाए। तो इज्जत नफ्स का एक तरीका, एक आम माना है और एक ये माना जी, कि हर हक जो जिसका अल्लाह ने फर्ज किया है उसको उसका हक दिया जाए, बल्कि हक तो देना ही है, एहसान के दर्जे में उसका हक उसको दिया जाए जी। आम मानों में इज्जत नफ्स का मफहूम यह है कि, और आम मानों में इज्जत नफ्स का मौजू हम जिन तबकात के लिए आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो तबकात होते हैं जो मुआशरे में पिसे हुए हैं, या जिनको खुदा न खास्ता आम तौर पर कम तर समझा जाता है, जिस तरह हमारे फिक्र में भी चल रहा है, कम तर समझा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी इंसान के गुनाहगार होने के लिए ये काफ़ी है कि वो किसी दूसरे को खुद से कम तर समझता हो। जी, आप ये देखिए कि इससे बड़ी इंसानियत की तजलील क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई फ़र्क नहीं किया, मुसलमान होने में कोई फ़र्क नहीं। अब हम जिस बुनियाद पे फ़र्क कर रहे होते हैं वो आम तौर पे रिज्क की तकसीम है या कोई स्टेटस का मसला है। स्टेटस भी रिज्क से ही आम तौर पे आता है, जिसके पास पैसा है उस स्टेटस अप हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज्क के हवाले से फरमाया कि ये हमारी नहनु कसम ना बैनहु मईशत, ये जो तुम्हारे दरमियान मईशत है यानी रिज्क की तकसीम है, ये अल्लाह ने की हुई जी, और ये किस तरह एक को बहुत ज्यादा एक को बहुत कम, इन हिकमतों से और इन
राजों और इन असरारों से अल्लाह ही वाकिफ है, लेकिन अल्लाह के यहाँ अदल भी है और एहसान भी है। एक बात देखिए आप कि ये इससे बड़ी इंसानियत की क्या तजलील होगी कि वो लोग जिनके साथ हमें अपना हाथ बढ़ाना है, जिनकी तरफ हमने अपना हाथ बढ़ाना है, जिनको हमने उठाना है, यही आपकी और हमारी जिम्मेदारी है ना। महज इबादत के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे नहीं बने ना, अल्लाह ने महज इबादत के लिए तो हमें पैदा नहीं किया। असल चीज है खिदमत खल्क। क्या आपसे वाबस्ता और हदीस बुखारी में इंसान की बेहतरी का और खैर पर मबनी होने का जो और इंसान का जो और इंसान के जो असल शर्फ का मियार जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने बयान फरमाया, वो फरमाया खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन वो है जिससे लोगों को सबसे ज्यादा नफा हो रहा है। अगर मेरे दाएं बाएं मेरे मातहत काम करने वाले, दफ्तर और कारोबार में मेरे इर्द गिर्द रहने वाले, मेरे घर वालों को मेरी जात से खैर मुयसर आ रही है और नफा आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल की जुबान में मैं बेहतरीन इंसान हूँ। और अगर खैर और नफा मुयसर नहीं आ रहा तो फिर अल्लाह के रसूल की जुबान मुबारक की रोशनी में मैं बेहतरीन इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बदतर इंसान हूँ। यह है इंसानियत का मियाद जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने तय फरमाया। और फिर दूसरी हदीस में फरमा दिया कि अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमून बिल लिसान ही वजदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहे। यानी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के दो तरीके होते हैं जी, या आप किसी पर हाथ उठाते हैं या आप किसी पर जुबान दराजी करते हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किसी की तहकीर करते हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी की तहकीर हो, उसका दिल टूट जाए, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो, उसको कमतर कहा जाए, अपने आप को फख्र और तफाखुर का मुजाहरा किया जाए, तो ये इतनी कभी और इतनी बुरी चीज है कि इससे बुरी चीज किसी की नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये जो फख्र है ये मेरी चादर है, ये तकब्बुर जो है ये अल्लाह की चादर है, अल्लाह के अलावा कोई तकब्बुर नहीं कर सकता। और हम तकब्बुर कर रहे होते हैं इन लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसे है। तो हमें ये समझने की जरूरत है। आप ये देखिए जो फलसफा इन्फाक है वो यहां समझ लीजिए। फलसफा इन्फाक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें माल दिया और हम में से हर बंदा पाबंद है अपने अज़्ज़ा व अकारिब, पहले औलाद, माँ बाप, बहन भाई, फिर आगे दर्जा बदर्जा जो उसकी इस्तेताअत है, अपने मुतवस्सिलीन को उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करने पर। और हम ये समझते हैं हम एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े फरमा दिया फी अमवालहिम हक्कुन मालूम, तुम्हारे मालों में एक हक, फिक्स हक है। फर्क ये है कि वो देना उनको था, आजमाइश के तौर पर तुम्हें दे दिया गया, और तुम्हारी आजमाइश यह है कि क्या वो हक उठाकर तुम उन तक पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते। इसी पर जवाब देंगे, इसी पर जो कहा गया ना कि सोना चांदी बना, सोना चांदी जो तुम जमा करते हो जी, उसको जनाब कयामत के दिन गर्म करके तुम्हारी पीठों को दागा जाएगा। वो क्या दागा जाएगा? यही दागा जाएगा कि वो हक जो था दूसरों का, अल्लाह की तकसीम के जरिए वो हमारे पास आया और हमने दूसरों को मुंतकिल करना था, हमने ना किया और अपने पास रखा, तो गोया ये चीज क्या है, ये चीज हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी चीज जो हम नहीं समझते वो ये है कि फलसफे इन्फाक में, शायद ये अहले इल्म तो जानते होंगे, अवामुन नास इस नुक्ते से आगाह नहीं, फलसफे इन्फाक में दो चीजें होती हैं, एक होता है हक के तमलीक और एक होता है हक के इंतफा, राइट ऑफ पोजेशन और राइट ऑफ यूज कह लें, ठीक, राइट टू यूज। राइट ऑफ पोजेशन यह है कि एक चीज जो मेरे पास है, मेरी अपनी है, मैं मालिक हूँ, पोजेशन है, यानी वो उसकी पोजेशन मेरे पास है, मैं पोजेस करता हूँ, मेरे घर में खड़ी है, लेकिन उससे महज फायदा भी मैं उठाऊं और मैं ये पाबंदी लगा दूं कि मेरे अलावा कोई फायदा नहीं उठा सकता, ये पाबंदी इस्लाम ने लगाने देता, इस बात से हम वाकिफ नहीं है, समझिए। यानी वो बेशक मेरे इस्तेमाल में है, मेरी मलकियत है, लेकिन मुझे अल्लाह अल्लाह के रसूल और दीन का अमूमी मिजाज ये समझाता है कि उससे दूसरे इंसान भी जिस हद तक इस्तफादा कर सकें और उस इस्तफादे से मुझे भी कोई नुकसान और मेरी चीज को भी कोई जरर नहीं है, तो मैं उस इस्तफादे के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। यही वो हैत इज्तमाइया जो इस्लाम कायम करना चाहता। अच्छा, मतलब कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते, जैसे मेरी कोई चीज है, मेरी गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, और उससे अगर कोई और इस्तेमाल करता है ना, गाड़ी को नुकसान हो रहा है ना मेरा नुकसान हो रहा है, उसने आके नहीं कहना, आप खुद देख रहे हैं कि अगर कोई हाजत मंद है, कोई कर सकता है, उसकी जरूरत है, तो आप उसको ऑफर करेंगे कि भाई आप कर लो, समझे ना बात, ठीक है। तो गोया हक के तमली, हक के मिल्कियत तो आप ही कर रहेगा, राइट ऑफ पोजेशन, लेकिन राइट टू यूज आप दूसरों को भी देंगे, ठीक है। इस्लाम इस पे पाबंदी नहीं लगाता, ठीक हो गया। मुफ्ती साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, इज्जत नफ्स के हवाले से बात हो रही है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है
बल्कि काफी अरसे से है कि हम जब अपने सीनियर से बात करते हैं या अपने बॉस से बात करते हैं तो बहुत ही इज्जत एहतराम से बात करते हैं। ये बड़ी कॉमन से एक एग्जाम्पल है। जैसे हमारे जूनियर हमारे सामने आते उसी वक्त हमारे जो अल्फाज का चुनाव होता है वो तब्दील हो जाता है। इवन कि हमारे चाय जो हमें सर्व कर रहे होते हैं ऑफिस में या घर में भी हमारा तरीकाकार चेंज हो जाता है और हम बहुत से ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो क्या समझते हैं क्या रीजन है क्यों हम इतना दूर हो रहे हैं, क्यों हमारी जो तालीमात है उनसे हम दूर होते जा रहे हैं? देखिए, असल वजह तो आपने बता दी कि तालीमात से दूरी का ही नतीजा है। अब देखिए कि इज्जत के हवाले से और इंसान की तकरीम और तौकीर के हवाले से कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि करम ना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को जो है इज्जत अता की या तकरीम का जो ताज है, इज्जत का जो ताज है पहनाने वाले हम हैं जी। और देखिए हम घर से ही शुरू हो जाते हैं। ये जो मुलाजमीन के हवाले से आपने बात की कि हमारे घरों में ड्राइवर होते हैं, मेड होती हैं, खासतौर पर ख्वातीन होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, हमारा रवैया जिस तरह आपने कहा ना, कोई मेहमान आ जाता है वैसे तो कोई गुजारा चल ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही खासतौर पर मेहमान आते हैं तो हमारे रवैये में एक तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल, हमारा घर का जो है बावर्ची है सारी जिंदगी बेहतरीन खाना बनाएगा, लेकिन किसी दिन कोई मेहमान आ गया या किसी दिन उसके हाथ से कोई मिर्च ज्यादा हो गई या नमक ज्यादा हो गया तो हम उसको यानी आसमान जो है सर पर उठा लेते, यानी वो सारी जिंदगी एक थोड़े से तनख्वाह पर जो है वो अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन आप उसको अपने बच्चों के सामने उसको बेइज्जत कर रहे होते, खाना आप प्रॉपर नहीं दे रहे होते। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि जिस तरह तुम खुद खाते हो, जो खुद खाते हो वो उसे भी तुम दो, जो खुद पहनते हो वो उसे भी दो। यानी एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, गालिबन हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो जो कुछ पहना करते थे खुद अपने गुलाम को भी पहनाया करते। तो खाना आप प्रॉपर नहीं देते, बासी खाना आप दे रहे होते हैं, कई दिनों का खाना आप दे रहे होते हैं, और सोशल मीडिया पे तो इस तरह के वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं कि रेस्टोरेंट पे जाके वो बेचारी खातून बच्ची जो है वो एक साइड पे खड़ी होती है और आप मजे लेकर जो है वो खा रहे होते हैं। इसी तरह बीमारी का मामला है कि बेचारी जो है वो आप अपने जानवर पर लाखों लगा देते हैं, लेकिन अगर कहीं खुदा ना ख्वास्ता कोई ना ख्वास्ता कोई पैनाडोल की एक गोली या पत्ता खा लिया तो उस पर जो है आप उसको इज्जत नफ्स उसके मजरूह कर देंगे। तो ये अलमिया है हमारे यहाँ। देखिए, जो दौलत आपको अल्लाह तबारक व ताला ने अता की है वो अल्लाह की अता करदा है, और दूसरों का जो हक है आपके पास अमानतन रख दिया गया है। यानी अल्लामा साहब ने जिस तरह कहा ना कि वो वल्लदीन यकनिजून ज़हब वल फिज़्ज़ा था, कि अगर आप वो हक अदा नहीं करते, यानी मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा, वो तो आपने देना ही देना है, वो तो आपके ऊपर 2.5% लाजमी है, ज़कात के अलावा की बात हो रही है कि अगर उसको कोई जरूरत पेश आ गई है, कोई मर्ज ऐसा लाहिक हो गया है, इमरजेंसी लाहिक हो गई है और आप नहीं देते, आप तकिए के नीचे छुपा लेते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस में जो है बैंक से पैसे नहीं निकलवाते, तो अल्लाह का इरशाद है कि फिर इस तरह का मामला किया जाए कि ये जितने भी दिरहम और दिनार है, ये जितना भी पैसा है, आग के साथ उसको तपाया जाएगा और उसकी पीठों के ऊपर और उसके जिस्म पर उसको दागा जाएगा। यानी ये ज़कात के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ मामला यही है कि जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं उससे भी हम अपने मुलाजमीन को हमने महरूम किया होता, यानी खाने से हमने महरूम किया होता, बेहतरीन खाना हम प्रोवाइड नहीं करते। और बाहर, अच्छा ये भी अलमिया है कि बाहर हम खूब जो है हातिमताई बन जाते हैं और तिजोरियों की जो है मुंह खोल देते हैं, और वजह क्या होती है, पब्लिसिटी, कि मेरी मशहूरी हो जाए, और घर के अंदर अपना ड्राइवर जो है बुनियादी जरूरियात के लिए जो है वो तड़प रहा होता है, तरस रहा होता है, अपनी घर की अपने बच्ची की शादी के लिए जो है वो कर्जे ले रहा होता है। यकीन डिटेल में बात करेंगे, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसे कि हम इज्जत नफ्स के हवाले से बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमारे यहाँ जो मुलाजिम तो नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे हेल्पर होते हैं, जो हमारे घरों में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं जो हमारे मतहत काम कर रहे होते हैं, हम उनके साथ कैसा सलूक कर रहे होते हैं। वहीं पर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि हम लोग दूसरों बाहर जाके तो बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं, सदका भी दे रहे होते हैं, हेल्प भी कर रहे हो, दूसरों के बच्चों की शादी भी करवा रहे होते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो अफराद मौजूद होते, जो हमारे मातहत होते हैं या हमें हेल्प कर रहे होते हैं हमारे कामों में,
हम सिर्फ उन्हें सैलरी की हद तक रखते हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सबसे पहले, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि रिश्तेदार और फिर आपके करीबी लोग, उनका हक है आप पे, आपके माल पे, आपके पास जो भी चीजें या आपकी सर्विसेज अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ ये बड़ी अजीब चीज देखने में, कोविड में भी बहुत ज्यादा हमने देखा कि हम अपना मोहल्ला, हम अपनी गली छोड़ के तीसरे शहर में जाके दूसरों को हेल्प कर रहे थे और फिर तस्वीरें भी लगा रहे थे। क्या ये जायज है? क्या हमें तस्वीरें भी लगानी चाहिए दूसरों को हेल्प करते हुए और अपने मुलाजमीन की तन्हाई भी ना दें बेशक हम लोग? देखें जी, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। इसका एक पहलू तो मस्बत है, वो भी बता देता हूँ, और एक पहलू मनफी जी। इसका मनफी पहलू तो ये है कि हमने ऐसी भी तस्वीरें कोविड में देखी और यकीनन आपने भी देखी होंगी कि 10 लोग हैं, एक आटे का थैला और एक आगे खातून खड़ी हैं बेचारी, जो शर्म से पानी पानी हो रही हैं और वो तस्वीर बनवा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि ऐसी जो ऐसा सदका खैरात है जिससे अगले को अजियत हो, इससे बेहतर है कि सदका और खैरात ना दी जाए, क्योंकि जो अजियत देने और इज्जत नफ्स मजरूह करने का गुनाह है, कम अज कम आप उससे तो बच जाएंगे ना, बच जाएंगे, क्योंकि आपका इखलास तो जाहिर हो रहा है तस्वीर बना के सोशल मीडिया पर डालने। इस्लाम हमें कहता है दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को पता न चले, हम कहते हैं कि दाएं हाथ से दें और 20 हाथों को कम अज कम पता चले। तो एक तो ये तरीके कार गलत है। और माजरत के साथ डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जब कोई मसला हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो हम बाकायदा तौर पे बता रहे होते हैं कि मैं जगह पे हेल्प की थी और मैं तो अपने नौकर के साथ बहुत ही सिंसियर थी, मैं तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, हम बता भी रहे होते हैं जी, बिल्कुल ऐसी। दूसरा ये है कि जो आपने बताया कि अपने घर में और गली मोहल्ले के रिश्तेदार बैठे होते हैं और बैठ जाते हैं, इस्लाम ने कसूल बना दिया है अल अकरब फल अकरब, करीब से आप चलेंगे, वो हिदायत की बात हो, आपने किसी को अपना दीन की तबलीग करनी है, किसी को नेक बनाना है, किसी को अच्छी बात बतानी है, तो ये नहीं कि आपके घर में तो तबाही हो रही है और आप चले हैं लोगों को मस्जिद में जाके खिताबात करने। ये वो कड़वे सच हैं जो आमतौर पर उलमा नहीं बोला करते, और मुफ्ती साहब भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, अल्लाह में सलामत रखे। देखिए जी, हमने पता क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि हमने दूसरों को ठीक करना है, बस उस ठीक करने के दायरे में हम खुद खड़े नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जनाब दुनिया को ठीक कर दूं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने क्या अपने आप को ठीक किया है। हम चाहते हैं कि हम पूरी रियासत को ठीक कर दें, क्या वो रियासत जो अल्लाह ने हमारे कब्जे में दिया, हमारा घर और जिसके हम सरबराह हैं, क्या वहां पर हम वो सब कुछ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वहां पर एक आइडियल माहौल दे चुके हैं? अगर नहीं दे चुके तो फिर हमने बड़ी सतह पर क्या करना है, ये सब गपशप है, जितनी मर्जी करते रहे। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप दर्जा ब दर्जा चले, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, सबसे पहले आपके वो अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार। और देखिए, इस्लाम इतना हसीन दीन है कि उसने हर कदम पर आपके लिए अजर का एक दरवाजा खोला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स तिर्मिज़ी की हदीस अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा डालता है या उसको पानी का एक घूंट पिलाता है तो अल्लाह के यहाँ सदका और अजर लिखा जाता है। 4 दिन पहले यह हदीस तिर्मिज़ी की मैंने अपने स्टेटस पे लगाई और लोग मुझे मजाक मैसेज कर रहे थे कि अलामा साहब खैरियत एक ही हो गया, आप अंदाजा कर लें, ठीक है। और वो सहाबी कहते हैं कि जैसे ही मैंने रसूल की हदीस सुनी, मुझे किसी ने बताई जो हमारे घर आया था, तो मैंने अगले लम्हे उठा, घड़े से पानी भरा और अपनी बीवी को पिलाया ताकि मैं उस अजर से महरूम न रह जाऊं। और हमारे यहाँ मामले मुख्तलिफ है। अब मियां और बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मोहब्बत और एहतराम को होना चाहिए। और हमारे यहाँ यह है कि अगर कोई हम मैसेज मोहब्बत वाला बीवी को कर दें तो उसकी तरफ से मैसेज जाता है आज तबीयत तो ठीक है जी, बिल्कुल। दो तरफा मामलात ऐसे हो चुके हैं क्योंकि हमने वो माहौल नहीं रखा जो माहौल रखना था। रिश्तेदारों के साथ ये है, अब रिश्तेदार जो हैं आजकल जितने शर के दरवाजे रिश्तेदार खोलते हैं शायद कोई नहीं खोलता। अब क्या होता है, रिएक्शनरी लोग हो जाते हैं, कहते हैं जी फलाने ने तो ये किया तो मैं ये करूंगा। आप भाई अपने तरफ से शर का दरवाजा बंद रखें, उनका शर उनकी तरफ लौटा दें, और अगर कोई खैर हो सकता है तो खैर करते रहें। आप बरी और जिम्मा नहीं होंगे अगर कोई दूसरा आप पर, कोई दूसरा फला था, अल्लाह की बारगाह में आप कहेंगे जी बारी ताला फला तो फला था, इसकी वजह से मैंने भी ये कर दिया, ये जवाब काबिले कबूल नहीं। याद हमने अपना करना है। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोगों की मदद करता है और जो लोगों की ऐब पोशी करता है और जो जब तक दूसरों की मदद में रहता है, अल्लाह उस वक्त उस बंदे के कामों में लगा रहता है और उस बंदे की मदद और नुसरत करता रहता है। तो लिहाजा अपने घर से शुरू हो। फिर कहा जो बीवी बच्चों, अफजल तरीन खर्च क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफजल तरीन खर्च यह है जो अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर और फिर अपने माँ बाप पर खर्च किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर अज़ीज़ व अक़ारिब का दर्जा, सिला रहमी आती है। फरमाया कि कौन सी चीज है जो उम्र को बढ़ाती है? आपने फरमाया सिला रहमी ऐसी चीज है जो उम्र को बढ़ाती है, लोगों पर खर्च करना ऐसी चीज है जो रिस्क को बढ़ाता है। तो लिहाजा हर नेक अमल के साथ अल्लाह ने एक ऐसा मोटिवेशनल सिस्टम पूरे इस्लाम के इसमें रखा है, अगर इसको आप अकली नुक्ते नजर से और इसको आप जरा गैर जानबदारी से मुसलमान हुए बगैर
मुसलमान वाले जेहन के बगैर भी अगर आप पढ़ें तो इस्लाम के अंदर इतनी मोटिवेशन है कि इसके अंदर, इसके हर अमल के अंदर एक कुव्वत नाफिजा है जो इंसान को मजबूर करती है कि ये काम कर दे। क्यों? इंसान की फितरत रिस्पॉन्सिव है, वो देखता है कि मुझे इससे मिलेगा क्या, यानी ये फितरत के अंदर एक खुद गर्जाना पहलू है। तो अल्लाह ने उसको भी एड्रेस किया इन अ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव वे, कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये कर। हालांकि बीवी बच्चों की कफालत तो फर्ज है, ठीक है, लेकिन उसने उस फर्ज पर भी अजर रखा। और फिर फरमाया कि ऐसे कई बंदे के ऐसे गुनाह होते हैं जो कहीं अल्लाह माफ नहीं करता और बख्शे नहीं जाते, लेकिन रिज्क के हलाल की तलब में जिन रगड़ों से बंदा गुजरता है वो गुनाह उस वक्त अल्लाह बख्श देता है। तो हर चीज पर अल्लाह ने रखा है। असल चीज यह है कि हमने दर्जा बदर्जा इंसानियत की खिदमत करनी है। एक खिदमत यह है कि मैं उनको सही बात बता के खिदमत कर दूं, जरूरी नहीं है पैसे से खिदमत हो। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ जी, जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं मैं दूं तो खिदमत करूं। अच्छा, और ये हमें भी समझने की जरूरत है और अगलों को भी समझने की जरूरत है। जो तबका जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी भी एक ये नफ्सियात बन गई है कि उनको अल्लाह का रसूल तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसा तो मुस्कुरा के अगले को स्माइलिंग फेस के साथ मिलना, और ऐसे मिलना कि उसकी टेंशन कम हो जाए, ये भी एक तरह का सदका है। दुख में शरीक हो जाना, दुख में शरीक हो जाना। और आजकल एक तबका, इस वो तबका जो असल में डिजर्विंग सफेद पोच लोग हैं, वो हाथ नहीं फैलाते। अब हम भी ये फंसे हुए हैं कि वो ऐसे लोग जिनके कारोबार हैं, हर चौथे दिन हमें गैंग पता लगता है। कुछ अर्सा पहले की बात है, राम साहब जना हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था, वहाँ एक लड़ाई थी, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा पता नहीं क्या लड़ाई है, कोई खुदा ना खासा कोई मरीज की इमरजेंसी तो नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर था तो रुके तो पता चला कि एक फकीर था उसके साथ कुछ लोग थे और दूसरा फकीर था उसके साथ कुछ लोग थे और वो लड़ रहे। तो जब पूछा भाई मामला क्या है, तो वो कहते हैं कि ये जगह तो मैंने 7 लाख देकर एक साल के लिए ली हुई है, ये दरवाजा, तो ये यहाँ पर आके क्यों बैठ गए? माफियाज हैं। तो कहने की जरूरत यह है कि हम तो इन माफियाज देखें, अब बंदा दे ना दे तो तब भी दिल में आता है यार क्या पता ये, वो तो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है ना, हमें हाँ भी तो ऐसा बहुत कुछ मिला जिसके हकदार नहीं थे, तो हम फौरन ये सोचते हैं कि वो हकदार नहीं है, ये भी एक तसव्वुर गलत जाता है। और अगर उसी को देते रहें तो जो असल लोग हैं, जो सफेद पोश हैं, जो मांगते नहीं हैं, फाके कर लेते हैं, वो रह जाते हैं। तो हमने हिकमत और दानिशमंदी के साथ जो पब्लिक गैदरिंग में और जो सड़क की अपना ये है, फुकरा है, फकीर है, इनकी हौसला शिकनी करने की जरूरत है। मेरी तो आदत है, कोई शख्स आता है थोड़े से पैसे दे के साथ उसको कार्ड देता हूँ और उसे कहता हूँ भाई फलां दफ्तर में मुझे फलां बंदे की जरूरत है, तुम आ जाओ तुम्हें अकोमोडेट करूंगा। यकीन कीजिए 50 बंदों से ज्यादा को कह चुका हूँ और आज तक एक बंदा नहीं आया जॉब करने के लिए। बल अगर वो वाकई डिजर्विंग है और उसे जॉब चाहिए तो एक दफा तो आना चाहिए था ना, एक बंदा ऑफर करा के जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन हम फिर खौफ खुदा में यूं आ जाते हैं कि हमें अब दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है कि कौन किस में जाते हैं ना, तो हम ये समझ लेते हैं कि अब उस तरफ नहीं जाना, वो दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन मजबूरी है कि अब उस दरवाजे की तरफ सोचना भी पड़ता है। क्योंकि अगर आप उधर देंगे तो जो अज़ा और अकारिब, और आप उनके हाल से बखूबी आगाह हैं कि किसी को, मसलन एक खानदान में एक ऐसा घर है जिसका कोई वारिस नहीं है, मिसाल के तौर पर वालिद की डेथ हो गई और कोई पुरसान हाल नहीं है, वो बिल्कुल एक क्लियर केस है। तो बजाय इसके कि फिर आप इधर मामलात में उलझें, आप वहां पर जाएं। एक तो यह है कि वो करीबतर है, दूसरा यह है कि वो रिश्तेदारों में है, तीसरा यह है कि वहां पर आप डेड श्योर हैं कि ये डिजर्विंग लोग जी। तो इस चीज का भी थोड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी है ना कि हमारे यहाँ अगर किसी के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो हम कह देते हैं उनके बच्चे तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि बेटे काम नहीं कर रहे होते, कोई घर में नहीं काम कर रहा होता, मतलब बेटों का भी आपको पता ही किस तरह से सूरत हाल बच्चों की भी होती है, तो क्या आपको उनको भी हेल्प करना चाहिए अगर उनके घर में खाना नहीं पक रहा? जी मुझसे पूछा आपने, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं हेल्प करना चाहिए। असल चीज तो ये है कि वो खुद अब खमियाजा भुगत रहे हैं तरबियत ना करने का। देखिए इस्लाम से दूरी, हम तो ये समझ लेते हैं ना कि पता नहीं अब ये कोई कुरान की बात करने लगे हैं, हदीस की बात करने लगे हैं, या हमें कोई इबादत कराने लगे हैं। जी इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। अगर ये लोग थोड़े दीन से जुड़े होते तो माँ को भी पता होता बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, और बाप को भी पता होता तरबियत कैसे करनी है, और तरबियत याफ्ता औलाद माँ बाप को फाके में नहीं रखती, वो मजदूरी भी कर लेती। बिल्कुल ऐसा। तो ये सब कुछ दीन की तालीमात से दूरी के बायस है, उनको मालूम नहीं है कि औलाद की तरबियत और हकूक और फराइज क्या है। आगे उसी तरह की औलाद है, उसको भी पता नहीं कि माँ बाप के फराइज क्या है, वो भी बैठी है कि कहीं से आ रहा है काम चल रहा है, और वो भी बैठे हैं कि कहीं से आ रहा है काम चल रहा है। अब मसला यह है कि आपको देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर आप प्रायोरिटी बनाएंगे। 2 प्रायोरिटी अच्छा। हैं। एक प्रायोरिटी तो आप ये बनाएंगे कि आपके करीब तर कौन सा है, क्योंकि आप उसके यहाँ जवाबदेह ज्यादा हैं।
दूसरी आप ये प्रायोरिटी फैमिली में खानदान में दूसरी आप ये बनाएंगे कि अगर दो केस आपके सामने आ गए हैं तो जो मोस्ट डिजर्विंग है उसको दे दें। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अगला टॉपिक बड़ा ही अहम टॉपिक है, दूसरी शादी के हवाले से है कि शरई हैसियत क्या है। और हम अक्सर ही सुनते हैं खवातीन काफी नाराज नजर आएंगी मुझे जब मैं ये टॉपिक कर रही होंगी, यकीन मर्द हजरात काफी खुश भी नजर आएंगे कि इस्लाम क्या कहता है दूसरी शादी के हवाले से, क्राइटेरिया क्या है। आज के दौर में जब भी बात होती है तो मर्द हजरात जब बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं मुझे तो अलाउ कर दिया गया चार शादियों के लिए, मुझे इजाजत है। इसके अलावा बाकी इस्लाम के हवाले से राइट्स क्या है, किस तरह से लेके चलना चाहिए, उस हवाले से हमें नहीं पता होता। मुफ्ती साहब आप ही से आगाज करेंगे, इस्लाम क्या कहता है अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्या क्राइटेरिया होना, क्या प्रॉब्लम्स या क्या सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप दूसरी तीसरी या फिर चौथी शादी भी कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि दीन में इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन असल मसला ये है कि आप पहली बीवी से इजाजत कैसे लेंगे। यानी हमारे यहाँ जो खवातीन है माशाल्लाह से, उन जो मतलब पाकिस्तानी खवातीन हैं उनके यहाँ ये मिजाज ही नहीं है कि आप इजाजत ले लें। यानी अगर आप इजाजत लेने जाएंगे तो फिर अपने अस्पताल में किसी बेड का बंदोबस्त कर लीजिए, यानी फिर हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपको अगले खाने में जो है जहर मिलाकर दे। यानी नफ्सियाती तौर पर जो है हमारी खवातीन इस चीज के लिए तैयार नहीं है। बाकी दीन ने तो कह दिया है, यानी ये हुक्म नहीं है, इजाजत है कि आप एक से ज्यादा जो है शादियां कर सकते हैं। और ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है या जो कदीम दौर है इसमें ये एक आम बात हुआ करती थी। यानी कदीम जमाने में एक से ज्यादा शादियों का जो है वो रिवाज रहा है और इस्लाम से पहले भी रहा है, बल्कि चार से ज्यादा हुआ करती थी। तो इजाजत तो है बिल्कुल, एक से ज्यादा आप शादियां कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुरान ने कुछ शराइत बयान की है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। हमारे यहाँ होता यह है कि कुछ पैसे ज्यादा आ जाते हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है, तो बजाय इसके कि हम बेवा का हाथ थामे और उसके साथ निकाह करें, मुतलका औरत का हाथ थामे, उसका उसके बच्चों का कोई बंदोबस्त करें, हम क्या करते हैं कवारी के जो है वो शादी करने चले जाते हैं। यानी अपनी आप कह लें कि अपनी मस्ती कह लें आप, या आप कोई भी लफ्ज दे दें, इंजॉयमेंट के लिए जो है आगे बढ़कर चले जाते हैं जी। तो जो चीज है जो कुरान की आयत आयत जहां पर आती है चार शादियों के हवाले से, उसको पूरा देखना चाहिए कि पहले क्या बयान हो रहा है और उसके बाद क्या बयान हो रहा है। यानी एक मजबूर खातून है मेरे घर के अंदर, मेरे खानदान के अंदर, जो मुतलका होकर आई है, जो बेवा होकर आई है, तो उस बारे में जो है कुरान मजीद में ये अल्फाज आ रहे हैं कि आप दो शादियां कर सकते हैं, तीन शादियां कर सकते हैं और चार शादियां कर सकते हैं। और फिर उसमें शर्त भी लगाई कि अगर आप निभा नहीं सकते तो फवाहिदा, फिर आप एक ही रखिए। यानी बेहतर तो यही है कि आप एक ही शादी करें, जिस तरह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का जो मामला चला है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक ही निकाह हुआ था। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह के हालात, हंगामी हालात पेश आ जाते हैं, कोई मजबूर खातून आ जाती है हमारे सामने, हमारी अपनी अजीजा होती है, तो उसको जो है एक बच्चों के उसके सरों पर जो है साया देने के लिए उसका हाथ थाम लिया जाता है, थामना चाहिए। तो इस चीज को जो है यहाँ पर खास तौर पर हमारे मुआशरे में प्रमोट करने की जरूरत है। यानी आमतौर पर हमारी खवातीन इस चीज के लिए तैयार नहीं है। और होता भी ये है कि हम दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसके बाद जो हकूक होते हैं, यानी खातून को हम बिल्कुल मुअल्लक कर देते हैं, उसको बिल्कुल सस्पेंड कर देते हैं उसके जितने भी हकूक होते हैं। हाँ जी। और फिर इसमें यह भी देखा गया है कि जो हमारे बच्चे हैं वो आमतौर पर तैयार नहीं होते। यानी बच्चे किसी दूसरी औरत को या किसी दूसरे मर्द को माँ की हैसियत से या बाप के बाप का वो दर्जा देने के लिए तैयार नहीं होते। मुफ्ती साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, या वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, अभी हम बात करें दूसरी शादी के हवाले से कि इस्लाम में इजाजत जब दी गई चार शादियों की तो क्या रीजन थी। मुफ्ती साहब बता रहे थे कि राइट्स के हवाले से भी बात कर रहे थे कि हकूक भी हमें पता होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें उन तमाम हकूक को सामने रखते हुए दूसरी शादी की तरफ जाना चाहिए। और ये अरब के यहाँ तो बहुत ज्यादा इसका कल्चर है और अभी भी है, कदीम जमाने में भी था, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे हायल हो जाते हैं, वो मतलब अगर छोटे हैं तो फिर कोई इतना मामला नहीं होता, लेकिन अगर वो शऊर की उम्र को पहुंच चुके हैं तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। और फिर खास तौर पर हमारी जो खवातीन है
उनको एक बड़े अजीब नजर से देखा जाता है, यानी अगर उनका मियां फोत हो गया या हाँ वो उनको तलाक हो गई है तो अगर निकाह नहीं करती, दूसरी शादी वो नहीं करती तो उन्हें एक अजीब नजर से देखा जाता है। अगर वो कर लेती हैं, ठीक है ना, फिर उनके करेक्टर एसेसिनेशन फिर दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये फलां मायूब समझा जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि इस, यानी सास ये कह रही होती है कि इस बच्चे को जो है ना इस खातून ने फंसा लिया, मेरे बच्चे को फंसा लिया। अभी शादी का सीजन चल रहा है और ये हमारी खवातीन खुद जो है इस चीज में ज्यादा जो है गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, आप किसी भी खातून से, किसी भी माँ से पूछ लें कि हम आप अपने बच्चे का निकाह जो है किसी मुतलका के साथ क्यों नहीं करते, किसी बेवा के साथ क्यों नहीं करते, तो वो राजी नहीं होगी, क्योंकि कल्चर ही नहीं है, इसको मायूब समझा जाता है। तो खुदारा अपने बच्चियों को सती होने से बचाएं, यानी हमने बच्चियों को और लड़कियों को सती कर दिया। वो जो हिंदुआना फलसफा है ना कि मर्द मर जाए तो खातून भी मर जाए, उसके बच्चे भी मर जाए, तो हम भी गोया मार ही रहे होते हैं। हाँ, यानी निकाह ना करवा के उसके भी जज्बात हैं, उसके भी एहसासात हैं। और कुछ खवातीन जो है वो इस तरह के भी पाई गई हैं कि मतलब वो कहती हैं कि जी हम, वो फखरिया कह रही होती हैं कि जी हमने अपने आप को बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। हाँ जी, यानी ये फखरिया तौर पर कहा जा रहा होता है, भाई आपके भी जज्बात हैं, बच्चों को एक सहारा चाहिए। और फिर जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता इस तरह के बहुत सारे मामला जो है वो पेश आ जाते हैं, तो आप इस रविश को छोड़ें। जी, अगर कोई सूटेबल कोई रिश्ता आता है और रिश्ता, ये देखिए हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी मुनासिब रिश्ता जो है, अब मुझे नहीं पता कि मुनासिब किस रिश्ते को कहा जाता है, तो रिश्ता होता अल्लाह की तरफ से है, यानी अल्लाह ही उस मर्द के जहन में कोई बात डाल देता है या खातून जो सास होती है उसके जहन में बात डाल देते हैं। तो इस तरह का कोई मुनासिब रिश्ता आता है तो गो फॉर इट, आप उसको लें और एक अच्छी जिंदगी का जो है वो आगाज करें, बजाय इसके कि आप दर बदर इधर उधर जो है वो ठोकरें खाएं। तो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो बीच में रुकावट बन जाते हैं दूसरी शादी के लिए, हालांकि दीन ने इसके अंदर कोई जो है कबाहत नहीं रखी। एक शादी करें, आप अफोर्ड कर सकते हैं दो शादियां करें, तीन शादियां करें, दीन ने मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको इजाजत दी हुई। बिल्कुल, दीन ने मुकम्मल तौर पर इजाजत दी। डॉक्टर अली, दीन ने मुकम्मल इजाजत तो दे दी एक मर्द को चार शादियों, क्योंकि उससे पहले तो अरब में पता नहीं कितनी शादियां होती थी, लेकिन चार इजाजत दी है। क्राइटेरिया क्या है जब आप दूसरी शादी कर रहे होते, क्या रीजन होनी चाहिए अगर आप शादी कर रहे हैं किसी से, दूसरी खातून से? देखिए, दो तीन चीजें मद्देनजर रखने की जरूरत है। पहले एक असूली बात में अर्ज कर दूं, कुरान मजीद की रोशनी, मेरी एक तालिब इल्माना गुजारिश होगी, कुरान ने अल्लाह अल्लाह के रसूल ने, चूंकि कुरान मजीद कयामत तक के लिए हर तहजीब हर तमद्दुन हर मुआशरे के लिए नाजिल होगा, और कयामत तक के लिए जितनी सोसाइटियां जन्म पाएंगी, हर सोसाइटी के जो मिजाज होंगे उन मिजाजों में कुरान मजीद अपनी हिदायत को उसी तरह उंडेलेगा जिस तरह पहले उंडेलता था। ये कुरान मजीद के अंदर ये फैज है और ये कुरान मजीद का यही हुज्जत में बाद रसूल, यही उसका वो मकाम है कि अब रिसालत खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई, अब कुरान वो फैज चलाता जाए। हम अपने मुआशरे में देखते हैं, अरब मुआशरा हमारे सामने है, उसमें इस आयत का कि तुम शादियां कर लो, मुसना वसलासा वरोबा, निकाह कर लो उन औरतों से जिनको पसंद करती हो, फन हो माताब अलकुमसार, निकाह कर लो एक दो या तीन चार, अरब माशरे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे सामने है, दीगर माशरे में हमारे सामने है। अब ये हमारा मुआशरा है, हमने एक कुरान का हुक्म देना है, उसको समझना है, उसको अपने मुआशरे के माहौल और मिजाज को समझना है और उसको वहां पे एग्जीक्यूट करना है। पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद ने एक शादी का हुक्म दिया है, चार शादियों का हुक्म नहीं दिया, ठीक हो गया, निकाह का हुक्म दिया है। हाँ, चार शादियों की ऑप्शन जरूर मौजूद है अगर कोई अवेल करना चाहे, कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, अब इसमें मैं ये क्लैरिटी करता जाऊं कि जो अदालत उज़्मा की तरफ से फैसला आया था कि पहली शादी के बाद दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की रजामंदी लेना या सालसी कौंसिल की रजामंदी लेना जरूरी है, ये कुल्लियतन गैर शरी, कहीं कोई रिवायत हदीस आयत ऐसी मौजूद नहीं है कि आप पाबंद हो दूसरी शादी के लिए पहली बीवी को राजी करने के, ऐसी नहीं है। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अदालत अज़मा के उस फैसले के खिलाफ पिटीशन और पूरा अपना मौकिफ जमा करवा दिया है कि ये कुरान सुन्नत के मुतसादिम है, ऐसी कोई शर्त कहीं कुरान सुन्नत में नहीं पाई जाती। पहली बात ये, ऑप्शन मौजूद है, कोई अवेल करना चाहे तो कर ले, लेकिन क्लैरिटी रहे कि जिस शादी का हुक्म है वो एक है, चार की ऑप्शन मौजूद है। और फिर आगे जाके बंद बांध दिया गया कि अगर फिर कोई अदल नहीं कर सकता चारों में या दो में या तीन में, तो फिर बजाय इसके कि वो बवाल में पड़े,
एक कर ले। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला सुनन नबी दाऊद किताब निकाह में हदीस जी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स दो शादियां करे या एक से ज्यादा शादी करे और अदल ना कायम कर सके तो वो कयामत के दिन इस तरह उठेगा जैसे उसका एक हिस्सा मफलूज है, यूं माजूर उठेगा कयामत के दिन। क्यों? चूंकि उसने दो पहलू बनाए, एक बीवी की बजाय दो बीवियों के दो पहलू, तो एक पहलू से इंसाफ ना किया तो वो पहलू अल्लाह ने मफलूज कर दिया। तो ये बहुत बड़ी वईद है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है और उस जिंदगी में आपको ये वईद सुनाई जा रही है कि आप मफलूज उठेंगे, फालिज ज़दा उठेंगे, इससे बड़ी क्या हो सकती है औरत के हक के लिए। तो अब हमें पाबंद कर दिया गया बार बार की सख्तियों के साथ कि अगर कोई फिर भी ये ऑप्शन अवेल करना चाहे तो वो इन इन सख्तियों की तरफ लाजमन जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी तरह चीज ये है कि हम इसको अपने मुआशरे में एग्जीक्यूट करें। पाकिस्तान का मुआशरा, हिंदुस्तान का मुआशरा, बांग्लादेश और ये जो हमारी पूरी एशिया की पट्टी है, इसी मुआशरे में ये बाज़ेन नशीन रख लीजिए कि शादी एक औरत एक लड़की से नहीं होती, पूरे खानदान से होती है। निकाह तो एक से हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप पूरे खानदान को ओन कर रहे होते हैं। तो अरब में ये ऐसा नहीं होता, जिन माशरों में आज भी इजाजत है ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर दूसरी शादी आज खुद फितने का बायस है। अच्छा, आप एक शादी करें, आप देखें आपकी औलाद आपके खिलाफ, माँ उनको आपके खिलाफ कर, खुद माँ उनके खिलाफ, आप अपने घर में दाखिल नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ मतलब गैर इस्लामी मुआशरत इस हद तक फरोग पा गई है कि एक शख्स अगर किसी के साथ 20 लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे तो वो तो चल फिर सकता है, लेकिन कोई दूसरी शादी कर ले तो वो सड़क से गुजरता तो सारे जब तक गुजर नहीं जाता देख रहे होते हैं। क्यों मुफ्ती साहब ऐसे? जी इसी तरह। तो हमने खुद निकाह को मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारा मुआशरा ऐसा है जिसमें शादी एक लड़की से नहीं होती, एक खानदान से होती है। लिहाजा मेरी नाकिस राय में यहाँ पर दूसरी शादी आज खुद एक फितने का बायस है, इल्ला ये कि कोई ऐसा खुदा न खासा मौका पेश आ जाता है, कोई ऐसी हाजत पेश आ जाती है कि आपकी नागुजीर जरूरत बन जाती है। लिहाजा हमें कुरान और सुन्नत के उस हुक्म को इस तनाजुर में देखना है। जी। आपकी औलाद भी गई, अब औलाद आपका असासा है, सरमाया है, यानी आप एक ऐसी ऑप्शन को जो शरीयत ने दी है अवेल नहीं कर सकते, जिस ऑप्शन के अवेल करने के बाद आपको यकीन है कि आपके कई फर्ज तक कजा होंगे, आप फितनों का बायस बनेंगे, आपके ही मामला, आप मेरी बात समझ रही है ना जी। यानी ऐसी ऑप्शन जो बिल्कुल जायज है, मुबाह है, सुन्नत है, उसको अवेल ना करें जो आपके लिए कई ऐसे कामों का बायस है कि आपकी जिंदगी जीरन कर दे, आपके फराइजी कजा हो, आपकी पूरी की पूरी नस्ल औलाद तबाह हो, आपका पूरा का पूरा माहौल खराब हो, पूरी की पूरी जिंदगी आपकी मतलब एक तबाही तबाहाली की तरफ चली जाए। तो लिहाजा इसका मुआशरत से गहरा ताल्लुक। अच्छा, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि आया आप इंसाफ कर पाएंगे या नहीं, और क्या दूसरी शादी जब आप कर रहे हैं, मुफ्ती साहब आप बताइएगा जरा कि अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं इंसाफ भी कर पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं या मैं अफोर्ड कर लूंगा दूसरी शादी को, तो क्या फिर जब आप शादी के लिए किसी लड़की को देख रहे होते हैं तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वो तलाक याफ्ता हो या जिसकी खावंद की डेथ हो चुकी हो वो हो, या फिर उसी तरह से जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि हम ये देखते हैं कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, मैं सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता हूँ, हाँ बाद में अल्लाह ने रिस्क देना है, मैं देख लूंगा, दोनों को अपनी किस्मत का रिस्क ले, उनकी किस्मत में जो रिस्क होगा वो जरूर मिलकर रहेगा उनको, अक्सर ये भी होता है ना। देखिए, अलामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ मुआशरे का जो जिक्र किया है इसको सामने रखना चाहिए। देखिए, कानूनी तो मामला चलते रहते हैं, इस मुआशरे को इसके मिजाज को देखना चाहिए कि मर्दों के यहाँ क्या मिजाज पाया जाता है, औरतों के यहाँ क्या मिजाज पाया जाता है। हमारे यहाँ तो खवातीन का मिजाज ये है कि वो जन्नत में भी किसी खातून के जो है वो तैयार नहीं होती कि इसको कोई खातून मिल जाए, तो यानी मशरकी खवातीन का हमारा ये हाल है। हाँ जी। तो उस कल्चर को, उस माशरे को सामने रखते हुए जो है ना, बहुत सिंसियर होती ना अपने खावंद के साथ वो। जी जी बिल्कुल, इसी तरह कर सकती है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला ने भी थोड़ा सा दिल में किया इसमें, अब क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए भी कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, ये मामलात सिर्फ इसी माशरे में होते हैं ना, बाकी माशरों में इस तरह के मामले। अच्छा, मुफ्ती साहब मैंने नोट किया आप मुसलसल कह रहे कि खवातीन इजाजत नहीं देती, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मर्द हजरात भी तो इंसाफ नहीं कर पाते। जी इसी तरह अल्लामा साहब के मैं इस बात से अग्री करूंगा कि कोई सॉलिड वजह भी होनी चाहिए ना दूसरी शादी की, कि अगर मिसाल के तौर पे औलाद नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे कोई बेवा खातून है जिसको आप मतलब माशरे में एक इज्जत देना चाहते हैं, कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसके बरक्स मामलात होते हैं। आप देखिए कि आपके बच्चे आपसे महरूम हो जाते हैं, यानी बच्चा जब आप दूसरी शादी करके लेकर आते हैं खातून को, बच्चा आपको उस नजर से नहीं देखता, यानी वो माँ के मुतबादिल किसी को लाने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ जी। तो सबसे पहले तो बच्चे आपके रुकावट जो है बनते हैं। दूसरा ये कि जब आप किसी मुतलका से
शादी करने जा रहे हैं, किसी बेवा से शादी करने जा रहे हैं, तो अजीब किस्म के जो है ना मुतालबात होते हैं, शराइत होती है कि जी बच्चा जो आपके साथ है ये यहीं रहेगा, आपने अगर जाना है तो ठीक है। यानी ये मुतालबा हो रहा होता है कि बेटा और बेटी ये आप इसको यहीं पे रखें और हम जो है बच्ची को ब्याह के ले जाते हैं। फिर दूसरा मुतालबा ये होता है कि जी हक महर कुछ नहीं दिया जाएगा जी। ये बहुत बड़ा बड़ी बात है, बहुत बड़ा हमारा हौसला है कि बच्ची को हम रख रहे हैं, यानी एहसान जताकर जो है उसका उसके साथ शादी की जा रही होती है। तो इस तरह के तो मामलात वो चल रहे होते हैं। फिर ए डिफरेंस का भी इशू आ जाता है, यानी खातून अगर यानी मर्द अगर 60 साल का बुढ़ा हो गया है, उसके 32 भी बाहर आ गई है, तो उसके लिए अच्छा ऑन द स्पॉट जब खातून का मतलब अभी जनाजा हो रहा होता है या उसकी डेथ हो चुकी होती है, उस मौके पर खवातीन बातें कर रही होती हैं और रिश्ते ढूंढ रही होती हैं मर्द के लिए कि जी इसका क्या बनेगा, इसकी तो मतलब अभी ये कैसे उम्र गुजारेगा। और दूसरी तरफ जो खातून है वो बेचारी अभी जवानी के अभी उसके अयाम होते हैं, तो उसके बारे में जी वो शुरू हो जाता है कि जी इसके इसका क्या बनेगा, बच्चे अब क्या करेंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं इसको बैलेंस के साथ रखने की जरूरत है कि मर्दों के लिए तो माहौल बड़ा साजगार होता है, यानी उनको कोई मसला नहीं होता, मसला होता है तो खातून को, ना करे तो तब मसला है, कर ले तो मसला है। अगर ना करे और बाहर जाने के लिए कमाने के लिए वो निकल खड़ी हो तो फिर मसला है कि जी ये क्या करने जाती है, क्यों कमाने जाती है। हालांकि हमारे सामने ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं कि आप कमा सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं। तो खातून को इसलिए जो आपने बात की ना कि खवातीन को खास तौर पर, तो इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई खवातीन के लिए खास तौर पर इस माशरे में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। बेवा है तो तब मसला है, मुतलका है तो तब मसला है, मर्द के लिए कोई इस तरह के मसाइल नहीं होते। तो इन तमाम चीजों को अच्छा एक गलती हो भी गई है जी किसी खातून से, तो अब आप सारी जिंदगी उस गलती को लेकर उसे टैग ना किया करें। यानी ये भी एक अलमिया है कि हम सारी जिंदगी उस बेचारी को टैग कर रहे होते हैं, करेक्टर असैसिनेशन हो रहा होता है। इंसान है, गलती का पुतला है, खतावार है, हो जाती है गलती बाज मामलात में। तो डिवोर्स तक जब नौबत चली जाती है तो उस पर जो है वो जो लफ्ज है, वो जो टैबू है, वो सारी जिंदगी उसके ऊपर लगता है, वो कभी भी उससे मिटता नहीं है। तो इन चीजों के अंदर भी जो है इन रवैयों के अंदर भी जो है वो तब्दीली की जरूरत है। और जिस तरह अल्लामा साहब ने भी कहा कि हम जो है वो दीन से यानी बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, हमें अपना दीन जो है सबसे पहले घर से इसकी इब्तदा करनी चाहिए। यानी मुझे आगे बढ़कर अपने बेटे की अगर शादी करनी है तो इस तरह के खवातीन को देखते हुए जो है अपने बच्चे के लिए रिश्ते का जो है बंदोबस्त करना चाहिए। फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं उस हवाले से भी देखना चाहिए, और फिर बड़े पैमाने पर यानी रियासती सतह पर या मुल्की सतह पर जो है उसको भी देखने की जरूरत है। ठीक हो गया, अब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब ने बयान किया कि किस तरह से जब रिश्ते कर रहे होते तभी बहुत सी चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब रिश्ते हो रहे होते तो इन्हीं खवातीन को और छोटी सी बात में ऐड कर दूं कि हमारे वो दोस्त जो बड़े, मैंने खुद, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इशारे फरमाए हैं, कुछ मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं और कोई उनके पेश नज़र किसी की मदद और वो नहीं होती कि किसी अपना जरूरतमंद का हाथ थामा जाए, किसी का हाथ थामा जाए या किसी बेवा का हाथ थामा जाए। उनका वो अपने से आधी उम्र की लड़की को देखती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आप पैसा है, रिश्ता मिल जाना है, और देने वाले भी रिश्ता पैसा देख के दे देते हैं। बिल्कुल दो तरफ ऐसे ही मामला है। बिल्कुल ऐसे। तो एक सवाल ये है कि आज तो हम बड़ी बातें करते हैं कि जी दूसरी शादी करनी है तो हमें चाहिए कि बेवा से करें या मुतलका से करें, तो सवाल ये है कि पहली शादी के वक्त हम ये याद क्यों नहीं करते, ये दूसरी ही शादी के वक्त क्यों शर्त लाती हैं? बिल्कुल, ये पहली पहली शादी में कोई पाबंदी तो नहीं है? बिल्कुल। और हमारे जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो हुई हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा जितनी अजवाज मुतहरात थी उनमें से कुछ या बेवा थी या मुतलका थी सारी की सारी? बिल्कुल। तो सुन्नत तो ये है, तो फिर सुन्नत पे आना है तो पूरा आए, पूरा अपनी मर्जी की सुन्नत उठा ली और अपनी मर्जी की सुन्नत को छोड़ दिया, जो पसंद नहीं है उसको छोड़ दिया, जो पसंद है उसको ले ली, ये तरीके का ठीक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही खवातीन का भी मसला है, वो हमेशा ये कहती है कि आपको ये तो पता है कि 4 शादियां इस्लाम में जायज है, मर्द को अलाउ कर दी, क्यों की गई, क्या रीजन थी और उसमें आपने अदल कैसे करना है, इंसाफ कैसे करना है, दोनों फैमिलीज को साथ लेके कैसे चलना है, ये भी बहुत मसला है। और जो खवातीन आ रही होती है, आप जरूर मद्देनजर रखिए, इस्लाम एक आफाकी दीन है, ये जहन में रखिए। इस्लाम पाकिस्तान की जो चंद औरतें हैं, हमारी जो खवातीन का मिजाज है, उनके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने नहीं तरतीब दी। बिल्कुल ऐसा है, एक आफाकी दीन है। बिल्कुल ऐसा। और ये जो 4 शादियां इसके अंदर आफाकी हिकमतें हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए इंटरनेशनल जो आप फिगर देखिए औरतों का और मर्दों का, औरतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, इस वक्त अब मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले के तकरीबन 52% तक औरतें थी और 48 मर्द थे, और अब वो
फिगर जो है 54 क्रॉस कर गई है। आप देखिए अगर ये 2050 तक मुफ्ती साहब यही सिचुएशन चलती रही तो इसका मतलब है जो ऊपर का इजाफी हिस्सा है उनको आपने बेरारवी के लिए छोड़ दिया या उनको बेसहारा छोड़ना है या उनको आपने कैसा करना है। तो हमें हर चीज अपने गड़े में नहीं देखनी चाहिए, हमें एक वसी तर तनाजुर अल्लाह अल्लाह के रसूल के दीन की हिकमतों को पेश नजर रखना चाहिए। ठीक हो गया। और जैसे आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपनी कम उम्र लड़की को देखा और शादी कर ली, हाल नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इरम सफदर को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है, बाहर निकलते हुए खास ख्याल रखिए, बच्चों को कोशिश करें बाहर ना जाए क्योंकि डेंगू के साथ साथ स्मोग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अल्लाह हाफिज़।